हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। गाइस, आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी सेकेंड फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी की, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी, अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? द एनर्जी पर्सिस्ट बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी जो मोशन में होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, मोशन में होती है, कुछ वेलोसिटी होती है, तो उस बॉडी के पास जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है गाइस, काइनेटिक एनर्जी को हम के लेटर से डिनोट करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी का सिंबल क्या है, के। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखने वाले हैं हाउ टू मेजर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो गाइस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी के भी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, ये एक एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाफ इनटू मास इनटू वी स्क्वायर। तो गाइस, ये फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिए। अब हम समझेंगे इस ये फॉर्मूला आया कैसे। तो गाइस, सपोज करिए कि यहां पर एक बॉडी है रेस्ट पर, ठीक है, जिसका मास है एम। तो मास ऑफ द बॉडी इज एम, और वो बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू जीरो। अब आपने क्या करा, उस बॉडी के ऊपर लगाया एक फोर्स, ठीक है, क्या लगाया, फोर्स। तो क्या होगा, बॉडी डिस्प्लेस होगी अपनी पोजीशन में, बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन लेट कर लेते हैं ए, और बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है। और अब बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी के पास एक वेलोसिटी आ गई, दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, वी। तो गाइस, यहां पर एक बॉडी है जिसका मास एम है, बॉडी रेस्ट पर है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। हमने बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया एफ, जिससे उसके अंदर एक्सेलरेशन आया ए, बॉडी मूव करी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा डी, और बॉडी के पास अब एक वेलोसिटी है दैट इज वी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। यहां पर अगर v इज फाइनल वेलोसिटी, ऑलरेडी वो v है, u जीरो है, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट, तो उसको s ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा टू ए एस, रीजन u क्या है, जीरो है। यहां से हम s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, s इज v स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और कैसे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब गाइस, फोर्स कितना लगाते हैं किसी बॉडी में, फोर्स जो हम लगाते हैं किसी भी बॉडी में वो इक्वल होता है उस बॉडी के मास के, और उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करा इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, पहला डिस्प्लेसमेंट एंड दूसरा फोर्स। अब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन।
हमेशा याद रखिएगा जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के। तो काइनेटिक एनर्जी भी एक फॉर्म है एनर्जी की, तो किसके इक्वल होगी? वर्क डन के। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑलरेडी आपको पता है फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट इज वी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। a से a कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? m v स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो गाइस ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन आ गया, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर, वो कैसे आया वो आपके सामने है। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। गाइस प्लीज नोट इट। तो गाइस हमने क्या एक्सप्रेशन पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतनी ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सिमिलरली जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के एंड वेलोसिटी स्क्वायर, याद रखिएगा। सेकंड गाइस, अगर मैं वेलोसिटी को क्या कर दूं? डबल कर दूं। वेलोसिटी को मैं क्या कर दूं? डबल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो गाइस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डबल का स्क्वायर। जो भी चेंज आप वेलोसिटी में करोगे काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर हो जाएगी। बस इतना सा छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? डबल मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी को ट्रिपल कर दूं तो क्या होगा बताइए जरा, सोचिए क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इस केस में? ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी को हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। कितना चेंज आएगा? तो स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी मैंने क्या कर दिया? हाफ। तो वी की जगह क्या रखेंगे? हाफ, 1/2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/4। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइस अगर आपको वेलोसिटी में चेंज गिवन हो और आपसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा जाए तो क्या करेंगे? जितना भी चेंज वेलोसिटी में गिवन है उसका स्क्वायर कर देंगे तो उतना ही चेंज काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट गाइस, अगर हमारे पास दो बॉडी है जिनकी स्पीड अलग अलग है, एक फास्ट मूविंग बॉडी और एक स्लो मूविंग बॉडी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो स्लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्लो मूविंग बॉडी से कैसी होगी? और वी कैन से किस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फास्ट मूविंग बॉडी या स्लो मूविंग बॉडी? तो गाइस फास्ट मूविंग बॉडी मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो इसकी वेलोसिटी से ज्यादा है, राइट? और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इट मींस फास्ट मूविंग बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर होगी स्लो मूविंग बॉडी से। तो जो बॉडी ज्यादा स्पीड से मूव करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो गाइस अगेन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज नोट इट। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, साथ में हम समझेंगे दो इंपॉर्टेंट केसेस। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है अब
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और जो लीनियर मोमेंटम है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो वेलोसिटी है हम उसको एलिमिनेट करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां से v की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर दें, सबसे इजी मेथड। तो फ्रॉम p इक्वल्स टू एम वी, वी क्या आ जाएगा, v आ जाएगा p अपॉन m, राइट। और अब मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा k वाले रिलेशन में, काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m मल्टीप्लाई बाय p अपॉन m का होल स्क्वायर। क्लियर है, v को हमने रिप्लेस कर दिया p अपॉन m से, तो p अपॉन m का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करा, m से m कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया p स्क्वायर अपॉन 2m। तो गाइज ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का, किससे, लीनियर मोमेंटम से। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन 2m, ठीक है। अगर मैं लीनियर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो क्या लिखूंगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m, और काइनेटिक एनर्जी का सिंबल होता है k, तो मैं इसको लिख लेता हूं 2m के सिंबल के टर्म्स में, ठीक है। p स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2m के, तो p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा अंडर रूट 2m के, ठीक है। तो गाइस ये रिलेशन हो गया, दो रिलेशन है, बात एक ही है। पहले में हमने काइनेटिक एनर्जी को लिखा है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, और सेकंड में हमने लीनियर मोमेंटम को लिखा है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गाइस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लीज नोट इट। तो गाइस अब हम दो इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, इस रिलेशन को लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर दो बॉडीज जिनका लीनियर मोमेंटम सेम हो, p इज सेम, दो बॉडी जिनका लीनियर मोमेंटम सेम है, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब अगर मोमेंटम सेम है दो बॉडीज का तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर बॉडी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो बॉडी जिनका मास अलग अलग है तो किस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी अगर उन दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी हैवियर बॉडी से, और अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप रीजन लिखेंगे बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और कब, यहां पे कंडीशन है व्हेन लीनियर मोमेंटम इज सेम फॉर बोथ दी बॉडीज। तो गाइस ये हो गया केस वन, अब हम समझेंगे केस टू। केस टू इज पी इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो गाइस अगर दो बॉडीज जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी इज सेम और कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट m के, रूट m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन याद करिए, दो बॉडीज हैविंग, टू बॉडीज हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, तो उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m के, ठीक है, समझ में आ गया। इट मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ
हैवियर बॉडी इज ग्रेटर देन लीनियर मोमेंटम ऑफ लाइटर बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट केस, हैवियर बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो ज्यादा होगा लाइटर बॉडी के लीनियर मोमेंटम से, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मास व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज सेम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, याद रखिएगा, अगर मास को मैं डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी अगर मोमेंटम सेम है। एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, अगर मैं मास को डबल कर दूं तो मोमेंटम कितना जाएगा, रूट टू हो जाएगा, और यहां पे कंडीशन होगी काइनेटिक एनर्जी इज सेम। तो गाइस इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज नोट इट। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। गाइस एक बॉडी मूव कर रही है, अगर आप उसके ऊपर वर्क करें, उसके ऊपर फोर्स लगाए, तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? तो वर्क डन होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं, तो जो भी बॉडी मूव कर रही है उसके ऊपर अगर हम फिर से फोर्स लगाएं, वर्क करें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो गाइस यहां पे सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, और हमने उसके ऊपर क्या करा, एक फोर्स लगाई, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वी। ठीक है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम यू स्क्वायर। इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। हमने फोर्स लगाइए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मींस वी इज ग्रेटर देन यू, तो यहां पर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो गाइस इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय फोर्स। तो ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो याद रखिएगा, वर्क डन इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो गाइस प्लीज नोट इट, और आज की वीडियो में इतना ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।